अच्छा, पोस्ट का रोज तो हमने आपको कई बार दिखाया है, लेकिन चलिए आज दिखाते हैं कि दो दोस्त जब एक साथ एक ही छत के नीचे जम जाए, यानी कि मिल जाए और करने लगे एक दूसरे को रोस्ट, तो क्या होता है। बात कर रहे हैं शहीर शेख और किंशुक महाजन की। आज हम SBS के साथ एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं। जब तू ये स्टाइल करके आता ना तो मुझे तेरा डॉगी याद आता। अब जब हंसते हो ना तो पता नहीं चलता कि आप हंस रहे हो कि सही रील हो रही है। चलो दोनों उसको रोस्ट करते हैं। आज चिरू ये याद आ रहा है। दोनों मिलके चिरुया को रोस्ट कर दें। आज हम SBS के साथ एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो कैसे करना है, मुझे भी नहीं पता कैसे रोस्ट कर। वैसे मैं टांग खींचता हूँ लोगों की, बट लेट्स सी क्या होता है। जब कॉन्शियसली बोलते करने तो नहीं होता, तब नहीं होता। जब तू ये स्टाइल करके आता ना तो मुझे तेरा डॉगी याद आता। मतलब पहचानना मुश्किल हो जाएगी कि कौन कौन है। अब जब हंसते हो ना तो पता नहीं चलता कि आप हंस रहे हो कि सही रील हो रही है। वो तो सही का भी नहीं पता चलता कि वो हंस रही है या रो रही है। अगर सिर्फ उसकी आवाज सुन रहे हो तो। यार ये भाइयों में बहुत इज्जत होती है यार। आज चिरू भैया याद आ रहा है। चिरू भैया को भी रोस्ट कर सकते हैं, और चिरू भैया की अब जगह सयूरी ने ले लिया तो हाँ, सयूरी को भी रोस्ट कर सकते हैं। हम दोनों मिलके चिरू भैया को रोस्ट कर दें। चलो उनकी हर चीज परफेक्ट होती थी, चाहे वो उनके कपड़ों की फिटिंग हो, उनका वो कंघी फंसा के बालों में चीर मारना, चीर मारना, चीर भैया। वो चलते थे तो ऐसे लगता था कि मम्मा डक अपने बच्चे को घर छोड़ने जा रही है। मिस करते यार, देखो अभी भी बात कर रहे हैं उनके बारे में। ऐसे अनोखे लोगों को ही वो इतनी गहरी छाप छोड़ के जाते हैं लोगों के दिमाग में। यार हम बहुत सिमिलर हैं, मैंने जहाँ तक नोटिस किया है। हाँ, हम काफ़ी हद तक एक ही जैसे हैं, तो अगर मैं इसका मजाक उड़ाऊंगा बेसिकली अपना मजाक उड़ा रहा हूँ। मैंने आज तक आपको किसी के सामने खाते हुए नहीं देखा। ऐसे क्या खाते हो आप? मैं खा सकता हूँ इन फ्रंट ऑफ यू और somebody आई नो, बट अनजान लोगों के सामने खाने में मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो व्हाई। ये रोस्ट नहीं है यार। सी आई एम टेलिंग यू दिस विल नॉट हैपन, दिस इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप रोस्ट कीजिए लेकिन इस जोड़ी के साथ नहीं, अलग लोगों के साथ। ABP News, आपको रखे आगे।